ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने मूलांक 1 से लेकर 6 तक की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मूलांक 7, 8 और 9 के बारे में। जी दर्शकों, मूलांक 7 केतु का अंक आपका सामाजिक क्षेत्र बढ़ेगा, लाभदायक सौदे भी होंगे, विपरीत परिस्थितियों का सफलता से सामना आज आप कर सकेंगे। अधिक व्यय न करें। शुभ रंग की अगर हम बात करें, भूरा रंग आज आपके लिए बहुत शुभ है। मूलांक 8 शनि का उठा पटक का अंक है, कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण व उत्साह रखें। अधीनस्थों की ओर ध्यान दें, जो आपके नीचे काम करने वाले उनका विशेष ध्यान रखें। आजीविका में नवीन प्रस्ताव मिलेंगे, हाँ दाम्पत्य जीवन आज आपका सुखद रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें, लाल रंग आज आपके लिए भरपूर लाभदायक है। मूलांक 9 मंगल का अंक, मंगलमुखी सदा सुखी, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यापार में नई योजनाओं पर कार्य नहीं होंगे। निजी जनों में असंतोष हो सकता है, थोड़ा पारिवारिक रिश्तों का ध्यान रखें। शुभ रंग की अगर हम बात करें, नीला रंग आज मूलांक 9 वालों के लिए भरपूर लाभदायक। कैलाश जी, आगे बढ़ने से पहले यूपी उत्तर प्रदेश से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, मेनका है। इनकी जन्म की तारीख है 26/2/1983। मेनका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। हाँ पंडित जी, मेरे मम्मी पापा मेरी शादी के लिए बहुत परेशान हैं, मेरी शादी कब है? मेनका जी, 26 तारीख 2 और 6, 8 का अंक, उम्र का 33वां वर्ष आपको चल रहा है, विवाह के पूर्ण योग आपके चल रहे हैं, लेकिन विवाह के लिए जो अंक सूर्य अंक 6 शुक्र जो रहता है वो बहुत कमजोर है आपकी कुंडली के अंदर। आप अपने हाथ की पहली अंगुली में पुखराज जो रत्न रहता है वो धारण कीजिए। किसी देवी मंदिर में शुक्रवार को श्रृंगार का सामान चढ़ाइए, बहुत जल्द शादी हो जाएगी। आपके शादी के 2 योग निकल चुके हैं, ये तीसरा और अंतिम योग है जो 18 फरवरी 2018 तक रहेगा, तो तब तक आपका विवाह हो जाएगा। देवी मंदिर में श्रृंगार का सामान चढ़ाइए, देवी पूजा कीजिए। तो दर्शकों, अगर आप में से किसी को भी अपनी जन्म की तारीख का नहीं पता है फिर भी वो अपना भविष्य जानना चाहता है तो हमें कॉल कर सकता है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कैलाश जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, शोभा जी है भीलवाड़ा से, जो की अपनी पुत्री निकिता के लिए जानना चाहती है। निकिता की जन्म की तारीख है 15/10/1988। शोभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हाँ जी, मैं अपनी पुत्री के बारे में पूछना, इसके शादी के योग कब तक है और कैसा पति मिलेगा? शोभा जी, आपकी पुत्री निकिता 15 तारीख 15 1 और 5, 6 का अंक, 1 सूर्य का 5 बुध का, दोनों ने मिलकर शुक्र का निर्माण किया, अंक 6 अपने आप में सर्वश्रेष्ठ अंक है। आपकी पुत्री जिस घर में जाएगी वो सफल व्यापारिक घर रहेगा, जो लड़का मिलेगा वो बिजनेसमैन मिलेगा। विवाह के जो योग हैं, 6 के अंक की आपकी पुत्री है, कैलेंडर वर्ष 2017 में 19 जून से पहले आपकी पुत्री के प्रबल वैवाहिक जीवन के योग है। जन्म स्थान से थोड़ा सा दूर देखिए, आपकी पुत्री जन्म स्थान से दूर जाके विवाह करेगी, लड़का भी जन्म स्थान से दूर वाला मिलेगा। कैलाश जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, सरोज कंवर जी हैं बीकानेर से। सरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। सरोज जी, अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए, फिर अपना सवाल कीजिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ मैंने बता दिया सर, मैंने बहुत टाइम से मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, परंतु हमेशा एक नंबर, आधा नंबर या 2 नंबर से मैं रह जाती हूँ। अब और एज होने वाली हूँ, तो क्या मेरा योग बन रहा है आगे या नहीं बन रहा है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। सरोज जी, स्वागत है आपका गुड लक टिप्स में। 23 तारीख 2 और 3, 5 का अंक बुध का, अपने आप में सरकारी नौकरी का है और शिक्षा के अंदर आपके बहुत अच्छे योग भी है। चलित के अंदर जो समय चल रहा है, 28 अप्रैल 2017 तक आपके नौकरी लगने के बहुत अच्छे योग हैं। आप किसी भी गणेश मंदिर के अंदर बुधवार वाले दिन गुड़ का भोग लगाइए और भगवान श्री गणेश से प्रार्थना कीजिए उनकी कि आपकी नौकरी जल्द से जल्द लगे। आप जब भी अपनी नौकरी का फॉर्म सबमिट करते हैं वो किसी भी महीने की
तीन बारह इक्कीस और तीस, तीन बारह इक्कीस और तीस, पाँच चौदह और तेईस, इन तारीखों को मूलांक तीन और मूलांक पाँच की जो तारीखें रहती है उन तारीख को आप अपना फॉर्म सबमिट कीजिए। बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी। जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो या साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए अगर आप जाते हैं, आप सफ़ेद रंग, लाल रंग या हरा रंग, इन रंगों में से कोई कलर के कपड़े पहन के जाइए, वो भी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और लाभदायक रहेगा। सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे योग आपकी जन्म की तारीख में है जी। कैलाश जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, सपना जी हैं बीकानेर से। इनकी जन्म की तारीख है 24/10/1993। सपना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। ने मैं अपनी शादी के लिए जाना चाहती हूँ, मेरे घर वाले बहुत परेशान है, कोई उपाय बताइए ना। सपना जी, 24 तारीख 2 और 4 6 का अंक शुक्र का अंक बनता है, 28 अप्रैल 2017 से पहले आपकी शादी हो जाएगी, लड़का भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। आप लक्ष्मीनाथ जी के, भगवान विष्णु और लक्ष्मी का जो मंदिर रहता है, लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन कीजिए। जो दो जोड़े का पान जो रहता है भगवान विष्णु और लक्ष्मी के लिए, वो पान लक्ष्मीनाथ मंदिर में चढ़ाइए, बहुत जल्द आपकी शादी हो जाएगी और लड़का भी जो मिलेगा बहुत सफल और व्यापारिक जीवन वाला आपको मिलेगा जी। कैलाश जी, आपसे जानना चाहूँगा कि सभी लोग चाहते हैं कि उनकी जो संतान है वो उच्च शिक्षा प्राप्त करे, जितनी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है उससे कहीं ज्यादा शिक्षा प्राप्त करे, तो आपसे जानना चाहूंगा, पर बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे इतना पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ाई में थोड़ा कमजोर होते हैं, तो उनकी शिक्षा अच्छे से हो पाए इसके लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? दर्शकों, एक चीज विशेष रूप से बताना चाहूंगा, जैसे आज के जमाने में सभी लोग ज्ञानी हैं, सबको अपने अपने विषय का जानकारी रहती है, लेकिन आपके बच्चों का जिस विषय में रुचि हो वही विषय, चाहे वो शिक्षा हो चाहे खेल कूद हो, उसी में उसको आगे बढ़ाइए। लेकिन आज के ज़माने में स्नातक होना बहुत ज़रूरी है, आप आगे कुछ भी करें लेकिन स्नातक है तो आप बहुत अच्छा सफल जीवन जी सकते हैं। भगवान गणेश और विष्णु लक्ष्मी की पूजा जन्म से बच्चे को करवाइए। पूजा का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़ा कोई भव्य अनुष्ठान के 10 पंडित 11 पंडित को बुला के अभिषेक करवा रहे, आप सिर्फ गणेश मंदिर और विष्णु लक्ष्मी के मंदिर जब भी जाएं अपने पुत्र या पुत्री को साथ में लेके जाएं। भगवान गणेश जो व्यापार में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और विष्णु लक्ष्मी शिक्षा के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्रदान करती है। जैसे ही आपका लड़का 14 से 18 वर्ष के उम्र में बढ़ता है, भगवान गणेश की कृपा रही तो व्यापार में नए आयाम स्थापित करेगा, और विष्णु लक्ष्मी की कृपा रही, उसके अंक गुरु अच्छा रहा तो वो नौकरी के अंदर बहुत जल्दी सफल हो जाएगा। गणेश और विष्णु लक्ष्मी की पूजा करना हर संतान के लिए सर्वश्रेष्ठ है। माता पिता को ध्यान में रखना चाहिए, जन्म के जो छोटे बच्चे रहते हैं उन्हें काले रंग से दूर रखें, काला रंग पहनना उनके लिए हिंसक प्रवृत्ति उनके अंदर पैदा कर देगा, वो मम्मी पापा का कहना नहीं मानेंगे, अपनी रुचि के अनुसार गलत संगत में चले जाएंगे। काले रंग से जितना आप अपने बच्चों को दूर रखेंगे वो उतना ही लाभदायक रहेगा जी। कैलाश जी, अक्सर कहा जाता है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। जब से ही संतान पैदा होती है तभी से माता पिता धन अर्जन करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी काफी देखरेख करते हैं, बट फिर भी बच्चे कई बार बड़े होने के बाद माता पिता का अनादर करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते और एक गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, ईजाद कर लेते हैं, तो आपसे जानना चाहूंगा ऐसा ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? दर्शकों, आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग के अंदर मम्मी पापा दोनों ही नौकरी में रहते हैं, वो सवेरे जाते हैं शाम को आते हैं, बच्चे स्कूल के आने के बाद घर पे अकेलापन महसूस करते हैं। ठीक है, नौकरी करना पति पत्नी दोनों के लिए अच्छा है, जिस घर के अंदर पति पत्नी दोनों घर से बाहर चले जाते हैं उस घर का गुरु जो होता है वो भ्रष्ट हो जाता है, और गुरु भ्रष्ट हो जाने की वजह से बच्चे शिक्षा के अंदर अच्छे नहीं बन पाते। इसलिए अगर पति पत्नी दोनों घर से बाहर जा रहे हैं तो पुत्र को हमेशा भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा पाठ करने का जरूर कहिए। संडे के दिन जिस दिन आप फ्री रहते हैं उस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी के मंदिर अपने पुत्र या पुत्री को दर्शन करवाइए। एक चीज़ विशेष रूप से, छोटे बच्चों को कभी भी किसी भी हिंसक तरह की चीज़ों से दूर रखिए, हिंसक जानवरों से, घुड़सवारी से उनको थोड़ा सा दूर रखिए। हिंसक चीज़ों में जितनी उनकी रुचि रहेगी वो बच्चा गलत आदत गलत संगत में जाना शुरू हो जाएगा,
और उसका अपने काम और शिक्षा के प्रति रुचि बहुत कम हो जाएगी। जो बच्चे, जो माता पिता अपने बच्चों को भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करवाते हैं, उनके बच्चे सदैव सर्वश्रेष्ठ और सफल रहते हैं अपने जीवन के अंदर। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और एक न्यूमरोलॉजी टिप भी जान लेते हैं आप सभी के लिए। न्यूमरो टिप्स हमारे उन दर्शकों के लिए, सभी दर्शकों के लिए जो अपने घर के अंदर काफ़ी सुख शांति और ऐश्वर्य का वास चाहते हैं। घर में हमेशा हरियाली रखें, पेड़ पौधे घर में जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लगाने चाहिए। हरा रंग वैसे ही सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। पेड़ बोल नहीं सकते लेकिन वो एक भगवान के इष्ट देव की भूमिका अपने घर में निभाते हैं। जिस घर में बड़े नहीं होते, पितृ नहीं होते, वहाँ पेड़ पौधे पितरों की भूमिका में आशीर्वाद स्वरूप उस घर में सुख शांति और लक्ष्मी का वास करवाते हैं। पेड़ पौधों को घर में लगाने से रोग खत्म होता है, दरिद्रता खत्म होती है, घर में कलेश खत्म होता है, घर में लक्ष्मी का वास रहता है। जितनी ज़्यादा हरियाली आपके घर में रहेगी उतना ही सुकून और शांति आपके घर में रहेगी। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आज आपको काफी पसंद आया होगा। कैलाश जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों को आज का दिन भरपूर मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाएं। दर्शकों, तो अगर आपकी भी कोई समस्या और समस्या का आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।